फिल्म द केरल स्टोरी पर कंगना रनौत का बड़ा बयान। विरोध कर रहे लोगों को कंगना रनौत ने आतंकवादी करार दिया है। कंगना रनौत ने द केरल स्टोरी के मेकर्स का समर्थन किया है और उन लोगों की आलोचना की है जो फिल्म की रिलीज के खिलाफ है। सुदीप्तो सेन निर्देशित इस फिल्म में आदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडदानी और सोनिया बलानी मुख्य भूमिका में है। और हाल ही में एक इवेंट के दौरान कंगना रनौत ने फिल्म और रिलीज से जुड़े विवाद के बारे में बात की और उन्होंने कहा, कंगना ने स्पष्ट रूप से कहा कि फिल्म एक समुदाय को नहीं बल्कि एक चरमपंथी संगठन को लक्षित कर रही है। एक्ट्रेस ने कहा, देखिए मैंने फिल्म देखी नहीं है लेकिन फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की बहुत कोशिश की गई। मैंने इसे आज पढ़ा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही करे। उच्च न्यायालय ने कहा है कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता कि ये किसी को बुरा दिखा रही है बल्कि केवल ISI का सच दिखा रही है ना। अगर हाईकोर्ट देश का सबसे जिम्मेदार निकाय ये कह रहा है तो वही सही है। ISI एक आतंकवादी संगठन है, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें आतंकवादी कह रही हूँ। हमारा देश, गृह मंत्रालय और अन्य देशों ने भी ऐसा ही कहा है। ISI आप आतंकी संगठन नहीं लगता तो आप भी आतंकवादी है। इस फिल्म का विरोध कर रहे लोग आतंकवादी है। कंगना रनौत का बयान।